हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन दैट, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन से। तो पहले तो थोड़ा सा जान लीजिए व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जैसा कि जो यदि ह्यूमन का केस लिया जाए, ठीक, तो ह्यूमन के केस में जो है आपके जो क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं, 23 पेयर्स। ठीक, इन ह्यूमन 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, पेयर्स। कितने क्रोमोसोम आज यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। ठीक, तो ये जो आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है इनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट। ठीक, क्या क्या है या के 23 को जो है डिवाइड किया गया है 22A लिखा जाता है। ठीक, 22A प्लस आपका आइडर जो है, ठीक है, यक्स यक्स आर यक्स वाई। ठीक, ये आपके क्या है, ए मीन्स ऑटोसोम, ऑटोसोम, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम हो गए। और इनको क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, तो इनका रोल जो है, ठीक है, ऑटोसोम, जो भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है उनका रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं होता है, जबकि आपके ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वही जो है, ठीक है, दे प्ले रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये आपका जो है ह्यूमन बीइंग का केस हम लिए हैं। ठीक, तो ये जो आपके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, यही जो डिटरमाइन करते हैं वेदर ए ऑफ स्प्रिंग विल बी मेल आर फीमेल। ठीक, यही जो आपके सेक्स क्रोमोसोम में जो है, देखिए, अब यक्स यक्स एंड यक्स वाई, ये केस लिया गया, ये ह्यूमन बीइंग का पर्टिकुलर केस है। ठीक, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो मेल में है, ठीक, मेल का जो यक्स क्रोमोसोम है, यदि वो जो है फीमेल के किसी भी क्रोमोसोम से फ्यूजन करता है तो क्या होगा, द रिजल्टेड आर ऑफ स्प्रिंग विल बी फीमेल वन। यदि एक्स क्रोमोसोम के बजाय, ठीक है, वाई क्रोमोसोम जाता है, ठीक, तब जो है फ्यूजन के बाद जो रिजल्ट होता है तो ऑफ स्प्रिंग विल बी मेल वन। ठीक, तो ह्यूमन के केस में जनरली जो आपका वाई क्रोमोसोम मेजर रोल प्ले करता है। यदि वाई क्रोमोसोम जो है, ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम के साथ रहता है तो दो द रिजल्ट विल बी मेल वन। ठीक, ये बताने का रीजन क्या था कि ये जो है आपके क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वही रोल प्ले करते हैं किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन में। ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है वो बाकी आपका फर्दर जो है, ठीक है, बॉडी के डेवलपमेंट में प्रोटीन सिंथेसिस और तमाम सारे जो भी आपके फीचर्स होते हैं बॉडी के उनके डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक, ये तो हो गया थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन। तो टोटल आपका जो है, ठीक है, तीन टाइप के जो है बताए गए हैं। ठीक, वो भी मेल के बेसिस पे बताया गया है। ठीक है,
तीन टाइप के से क्रोमोसोम जो है फिगर लिए गए हैं, एक आपका होता है ठीक वही बनाया है फीमेल आपका ठीक फीमेल ये होगा मेल जो है एक्स वाई, दूसरा क्या है फीमेल आपका एक्स एक्स मेल क्या होगा एक्स जीरो, मेल जो है यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है ठीक। थर्ड के जो है जो स्पेशल टाइप ऑफ केस है ठीक है, बर्ड के केस में जो होता है वहां पे जो ये चेंज हो जाता है, बर्ड के केस में जब फीमेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन दोनों में तो आपका मेल हो गया या तो मेल है ठीक, ये मेल है ठीक, ये जो है आपके फीमेल ये जो है फीमेल, तो ये केस एक हो गया ठीक है। और दूसरा केस ये इसमें जो है देखिए एक्स क्रोमोसोम जाएगा फ्यूज करेगा तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा फीमेल, वाई क्रोमोसोम जाएगा मेल, यहाँ पे जो है यदि एक्स क्रोमोसोम गया तब तो मेल, अब जो कि वाई एब्सेंट है तो ये जो है यदि एक्स क्रोमोसोम नहीं फ्यूज करेगा तो रिजल्ट विल बी मेल। थर्ड केस क्या है, बर्ड का जो स्पेशल केस होता है, बर्ड में जो है मेल आपके जो है होमोजाइगस होते हैं जबकि फीमेल जो है हेटरोजाइगस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड, ये आपका जो है ठीक है ये मेल है ये आपका मेल, और यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन में जो है फीमेल है ठीक। तो बर्ड के केस में थोड़ा सा क्या हो जाता है जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें जो है रोल कौन प्ले करता है फीमेल ठीक, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा पढ़ जान लेते हैं, और द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिक्स, जो भी आपके जेनेटिक्स पे वर्क किए थे जो एकदम क्या था सेक्स डिटर्मिनेशन इनिशियली जो है पजल के तरह हुआ करता था, कैसे जो है ये डिटरमाइन होता है कि वेदर आप स्प्रिंग विल बी मेल आर फीमेल। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन इंसेक्ट, इंसेक्ट में जो है पहले क्या किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इंसेक्ट का जान रहे हैं ह्यूमन की तरह सेक्स डिटर्मिनेशन इसमें भी होता है ठीक। मेल जो है एक्स वाई एंड फीमेल एक्स एक्स, मीन्स मेल का वाई क्रोमोसोम प्ले करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो इसमें जो है इन द इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन ए नंबर ऑफ इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक डेवलपमेंट बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक साइंटिस्ट थे हैनकिंग, हैनकिंग को ट्रेस ठीक है ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल ऑफ द ऑल्दो स्पर्मेटोजेसिस के दौरान जो है ये न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर जो है पता लगाए थे ए फ्यू इंसेक्ट्स, एंड इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाई हिम इन 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, में जो भी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जैसे कि आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होता है ठीक, क्यों, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आपके गैमेट में प्रेजेंट होते हैं, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर का होगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर का, जिससे कि जो है रेस की कोई भी स्पीसीज अपने रेस की आइडेंटिटी जो है वो मेंटेन करेगा ठीक। हैनकिंग गेव द नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडीज बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, एक्स बॉडीज जो है नाम कौन दिया था हैनकिंग बट लेकिन इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाई अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट एक्स बॉडीज ऑफ हैनकिंग वॉज इन फैक्ट ए क्रोमोसोम एंड दैट इज वाई इट वॉज गिव द नेम एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स बॉडी पता लगाए थे हैनकिंग ठीक है उसका क्या नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ
यक्स ओ टाइप, ठीक। तो तमाम सारे जो है इंसेक्ट्स में इस टाइप का, ठीक, ये सेकंड वाला इस टाइप का सेक्रिटेशन, ठीक है, मिला। मेल जो है आपके यक्सो टाइप और फीमेल जो है यक्स यक्स एक्सोटाइप, दैट इज ऑल द एक्स बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स ऑन द अदर एंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर एक्स क्रोमोसोम वेयर एज सम डू नॉट, मीन्स कुछ जो है मेल जैसे एक्स वाई बियर किया हुआ, यहाँ पे जो है केवल एक ही एक्स है मेल के केस में, वेयर सम ऑफ डोनर एक्स फर्टिलाइज बाई स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल्स। जैसा कि पहले ही बताए हैं कि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल से जो है, ठीक है, किसी भी क्रोमोसोम से फ्यूजन होता है तो रिजल्ट विल बी फीमेल वन, ठीक, मीन्स एक्स फर्टिलाइज बाई स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल एंड दोज फर्टिलाइज बाई स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम, मीन्स एक्स को बेसिस बनाया गया है, ऐसे मेल जिनके स्पर्म जो है एक्स क्रोमोसोम कंटेन करते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं एक्स का, वो तो रिजल्ट क्या होता है फीमेल, और ऐसे स्पर्म जो कि एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है उनमें वो फर्टिलाइज करते हैं एक से तो उसका रिजल्ट क्या होता है मेल वन, ठीक। Those fertilized by sperm that do not have an X chromosome becomes male. अब देखिए, due to involvement of X chromosome in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosome. अब चूंकि ये chromosome जैसे पहले ही बताएं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम रोल प्ले कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, मीन्स वेदर ये ऑफ स्प्रिंग विल बी मेल आर फीमेल, इसीलिए इनको बोला गया सेक्स क्रोमोसोम, एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर नेम्ड एज ऑटोसोम, जो कि ऐसे क्रोमोसोम जो रोल प्ले नहीं करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में उनको क्या बोला गया ऑटोसोम, जैसा कि पहले ही बताएं। ग्रासोफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम whereas female have a pair of X chromosome. These observation led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. In a number of other insects, the mammalian including XY type of sex determination is seen, whereas both male and female have सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या होता है किसी भी स्पीसीज की, ठीक है, वो आइडेंटिटी होती है, यदि कोई भी इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है तो सारे इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे सेम होंगे, ठीक। जैसे ह्यूमन बींग चाहे यहाँ पे पाए जाए इंडिया में, चाहे चाइना में, चाहे यूएसए, चाहे कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, यदि उनकी स्पीसीज की स्पेसिफिसिटी क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 23 पेयर आर 46 क्रोमोसोम, तो कहीं भी इंसान पाए जाएंगे, ठीक, होमोसेपियंस कहीं भी होगा तो जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही पाए जाएंगे, यदि नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक, तो वो अलग स्पीसीज कहलाएंगे, ठीक। एमंग द मेल ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट हो गया बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम। तो जैसा पहले ही बताया है कि टाइप के सेक्स क्रोमोसोम ये जो है बताए गए एक्स एक्स वाई एक्स एक्स एक्सओ जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड, ठीक। तो इसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है वो छोटा होता है, ठीक। Among the male and X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. Females, however, have a pair of chromosomes. Both male and female bear same number of autosomes. So, male and female में autosomes का number जो है same होता है. In human beings and in Drosophila, the male have one X and one Y chromosome. तो male का जो है केस जो ह्यूमन बींग का है सिमिलर द केस इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है उसे,
ठीक, वेयर एज फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, दैट इज एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप। ये तो आपके जो है ठीक है, एक्स हो गया, एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्सो टाइप। थर्ड जो केस है वो स्पेशल टाइप है जो कि बर्ड के केस में पहले ही बताए हैं, ठीक। बट इन बोथ द केसेज मेल प्रोड्यूसेज टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स आइदर विद आर विदाउट एक्स क्रोमोसोम। बी हो गया आपका सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोसोम एंड सम विद वाई क्रोमोसोम। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रो गैमेटी। तो इसमें जो है मेल का केस क्या है, हेट्रोगैमेट है, मेल दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं है, ये एक्स वाई है, ये एक्स जीरो है, ठीक, ये मेल की हेट्रोगैमेटी दिखा रहा है। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बर्ड्स ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व। इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ केसेस मेल एंड फीमेल, बट द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। तो इसमें बर्ड के केस में जो है जो फीमेल होती है वो हेटरोजाइगस होती है, ठीक। बर्ड के केस में जो है क्या है, जो फीमेल होती है वो हेटरोजाइगस होती है, ठीक। उनको कैसे दिखाया जाता है, बर्ड का केस जो है ठीक है, ये जो है फीमेल है, ठीक, और जेड जेड ये जो आपके मेल है, ठीक। ये केस हो गया, यहाँ पे जो होमोजाइगोसिटी पाई जा रही है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, लेकिन दोनों क्रोमोसोम सेम नहीं है, यहाँ पे फीमेल हेट्रोजाइगस है और यहाँ पे ठीक है मेल होमोजाइगस है, ठीक। इन ऑर्डर टू हैव डिस्टिंक्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर हो गया, तो इसीलिए जो है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हेट्रोजाइगस है इसलिए जो है जो सिंबल है एक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे चेंज कर दिया, बर्ड के केस में जो है जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड दिखाया गया, ठीक। तो इससे जो है क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हो गया आपका तीन टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन कौन सा, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ठीक। तीन टाइप के कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया ठीक है, एक और बताएं एक्स 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 वाई एंड एक्स 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 जीरो, ठीक। ये आपके तीन टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब किए गए। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि सेम होगा कैसे, एक्स एक्स एंड एक्स वाई की तरह। ओके, थैंक यू।